जय श्री राम दोस्तों, आज हम हमारे गांव से थोड़ी दूर एक छोटा सा वृंदावन धाम है, वहां पर एक छोटा सा देखने लायक एक छोटा सा चिड़ियाघर है। तो आज हम इस वीडियो में आपको वही दिखाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपने हमारे झुंझुनू ज़िले की ये छोटी सी जगह देखी या नहीं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से जानवरों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और बहुत ही यहाँ पर हरियाली है और यहाँ पर लोग भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। अभी आप इस वीडियो को इन्जॉय करो। दोस्तों, आप जो ये सामने जानवर देख रहे हैं छोटा सा, आप मुझे इसका नाम कमेंट में बताएं, मुझे इसका नाम नहीं पता है। इधर आप ये देख सकते हैं, इधर ये हाथी की मूर्ति बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया है। और उधर चलते हैं अभी थोड़ा आगे। देखिए इधर कृष्ण जी मूर्ति बनी हुई है और ये इसके आगे बिहारी दास जी महाराज बैठे हुए हैं। इधर ये शेर की मूर्ति है। अभी थोड़ा आगे चलते हैं तो आप सामने देख सकते हैं, सामने भी कृष्ण जी मूर्ति बनी हुई है, साथ में राधा जी भी हैं और उनके पास में बिहारी दास जी महाराज बैठे हुए हैं। इधर ये जिराफ की मूर्ति बनी हुई है और सामने बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। इधर आप देख सकते हो ये सब, वहाँ पे बच्चे झूल भी रहे हैं। अभी ये मेरा दोस्त शुभम जाएगा, देखो ये जा रहा। अब ये यहाँ पर झूलेगा भी। अभी हम इसका एक छोटा सा शॉट लेने वाले हैं। इधर हमें हमारा सब्सक्राइबर मिल गया, वो देखो वो हाथ हिला रहा है, हमने हाई कर रहा है। ये यहाँ पर मोर की मूर्ति बनी हुई है। इधर आप देख सकते हैं तेंदुए की मूर्ति बनी हुई है और ये यहाँ पर ब्लैक बक और साथ में हिरण भी है उसके, उसकी मूर्ति बनी हुई है। और अभी थोड़ा आगे चलते हैं अपन, वहाँ पर सामने आप मोर को देख सकते हो पंख फैलाए हुए। इधर भी ये मोर बैठा है। ये इधर मोर ने पंख फैला रखे हैं। ये इधर वाइट टाइगर है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये रहा वाइट टाइगर। अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और एक कमेंट ज़रूर से कीजिए।